नमस्कार दोस्तों, अभी पूरा विश्व कोरोना के खौफ और संकट से जूझ रहा है। ये समय बहुत संवेदनशील समय है दोस्तों, और अभी भारत में 21 दिन का जो लॉकडाउन किया गया है उसमें हम सब भारतवासियों का फर्ज बनता है कि हम इसमें सहयोग करें। कुछ एक ऐसे तत्व या ऐसे लोग हैं जो अपनी प्रवृत्ति पे नियंत्रण नहीं रख पाते और अव्यवस्था करते हैं, तो सभी से मेरी गुजारिश है कि आप इन चीजों से बचें, कानून व्यवस्था में सहयोग करें। आप अपने आप को वहां रख के देखें कि आप खुद अगर पुलिस में अभी ड्यूटी कर रहे होते, अभी आप डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ में होते, तो उन लोगों की स्थिति में आप रख के देखिए स्वयं को कि वहां तब आपके साथ क्या हालात होता। वो अपनी जान जोखिम में डाल के कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था को बनाए रख रहे हैं, तो हमारा कम से कम इतना तो फर्ज होता ही है कि हम बेवजह है नहीं घूमें, अफवाहें नहीं फैलाएं और घर पे रहें। जो निर्देश दिए जा रहे हैं उनका हम फॉलो करें। तो सबसे पहली और बड़ी बात यही है कि नियमों का पालन करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी और हम इस संकट से पार पा सकते हैं। इसका जो उपाय बताया जा रहा है सरकार के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा, उनको पालन करें आप। अब आप देखिए प्रकृति का खेल देखिए किस तरह से आया है कि अक्सर हम कहते रहते हैं कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, मगर अब टाइम ही टाइम है। आप 21 दिन घर पे रहेंगे, अपने परिवार को पूरा समय दीजिए, बच्चों के साथ, परिवार के साथ, माता पिता के साथ, परिजनों के साथ समय बिताइए। प्रकृति संतुलन बैठाने का प्रयास करती है। रोजाना की भागदौड़ से अब पूरी तरह से निवृत्त होके एकदम पूरी तरह से लोप हो गए हैं घर में, परंतु यहां भी आप नकारात्मकता में से सकारात्मकता निकालिए। आप नेगेटिव क्यों ले रहे हैं, आप पॉजिटिव सोचिए ना कि घर में बैठने से हम सुरक्षित है, अपने ही घर में, अपने ही परिवार के बीच, अपने रूम में आराम से बैठने से हम सुरक्षित है, तो हम क्यों बाहर जा रहे हैं, क्यों मुसीबत मोल ले रहे हैं। ये आपको एक बात के लिए आप सोचिए कि कम से कम ये तो उपाय है ना कि घर में बैठकर हम इससे बच सकते हैं। मान लीजिए ये उपाय नहीं होता तो क्या करते, तो जो उपाय है और कितना, अगर हम देखें थोड़ा, अगर हम दिहाड़ी मजदूर है या जो रोज की रोजमर्रा से अपना जीवन गुजार रहे हैं, थोड़ा सा उनको छोड़ के और जो बहुत सारी जनसंख्या है उनकी तरफ ध्यान दें। जो आवारा घूम रहे हैं वो दिहाड़ी वाले नहीं घूम रहे, जो रोजगार वाले नहीं घूम रहे, वो यूं ही घूम रहे हैं, जो कि बहुत सारी वीडियोज में देखने को मिल रहा है। तो आप इन चीजों को थोड़ा सा गौर फरमाइए कि आप घर में बैठ के जैसी भी व्यवस्थाएं हैं, जैसा भी आपको भोजन मिल रहा है, बेवजह रोज कोई ताजा हरी सब्जी खाने की आवश्यकता नहीं है। घरों में बहुत सारी जो चीजें हैं उपलब्ध है, उन्हीं का प्रयोग कीजिए। तो कुल मिलाकर आप जो है पॉजिटिव ये निकालिए कि आप अपने घर पे रहकर भी इस लड़ाई से संघर्ष कर रहे हैं और आप इसको फैलने से रोक रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और हमने ये महीना भर निकाल दिया संयम से दोस्तों, तो इससे निजात मिल जाएगी। एक यहां बात और आ रही है उमड़ के कि सोशल मीडिया को हम बहुत कोसा करते थे, फेसबुक, व्हाट्सएप, परिवार को समय नहीं दे रहे, ये फालतू है, टाइम बर्बादी है, मगर आज इनका भी महत्व आया है। समय समय होता है, देखो इनका भी समय जो आज कितना महत्वपूर्ण, आज घर पे बैठ के आप इनके माध्यम से अपडेट हो सकते हैं पूरे विश्व में कहाँ क्या हो रहा है, भारत में कहाँ क्या हो रहा है, तो ये सारी चीजें आज हमें सोशल मीडिया दे रहा है। आज जहां हमें सोसाइटी से दूर रहने के लिए क्या कहा जा रहा है, वहीं ये एक सोसाइटी के रूप में आपस में एक दूसरे को जोड़ भी रहा है। तो चीजें जो है, टेक्नोलॉजी जो है, वो कई बार बाधा बनती है तो कई बार काम भी आती है। अब यहां आपके पास में 21 दिन है, 21 दिन अपने आप के रिफॉर्म के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप ही मान के चलिए। आपको समय मिला है, इसका आप सदुपयोग कीजिए। पूरे दिन आप कोरोना 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 वीडियो देखते रहेंगे, दिन यूं ही चला जाएगा, दिमाग में झंझना पैदा होगा और आपको लगेगा आप वाकई काफी निकम्मे हैं, यानी आपके पास बहुत सारा समय बच रहा है, कैसे टाइम पास करें। अगर आपने इस 21 दिन का एक टारगेट बना लिया तो आप निश्चित रूप से बहुत जल्दी आपके 21 दिन निकल जाएंगे। और इसमें आप क्या टारगेट ले सकते हैं, जो विद्यार्थी है वो अध्ययन का ले सकते हैं कि हमें इतने घंटे अध्ययन करना है। आप अगर विद्यार्थी नहीं है तो आप कोई कुछ ऐसी पुस्तकें आप पढ़ सकते हैं, किसी की जीवनी पढ़ सकते हैं, आप इंग्लिश इंप्रूवमेंट का रख सकते हैं, आप अपने हेल्थ को लेके रख सकते हैं। अगर किसी की तोंद आ रही है तो 21 दिन में उसको कम करने का रखिए।
अगर कोई हेल्दी है तो वेट कम करने का रखिए, किसी को हेल्थ बनानी है तो आप वो रखिए। 21 दिन में आप काफी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप के अंदर कर सकते हैं, और आपको ये लगेगा कि हमने इस नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिव आपने निकाल लिया है। उसके अलावा जैसे आप पूरे दिन अगर कोई टारगेट नहीं रखेंगे तो पूरे दिन न्यूज़ देख देख के एक हम खौफ में जिएंगे। अब जैसे आ गया चीन में हंता और आ गया, तो अब तरह तरह की चीजें आएगी और फिर हम एक नकारात्मकता की ओर चले जाएंगे। इसलिए आप ये मानिए कि हम घर पे रह के अपने आप को अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं और हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। इसलिए हमें कुछ टारगेट रखना है। 21 दिन का आप टारगेट बनाइए, एक सिंपल टारगेट बनाइए, बहुत बड़ा भी नहीं बनाना। 3 या 4 घंटे आप वर्क करने का टारगेट बनाइए कि 4 घंटे आपको स्पेशली वर्क करना है। बाकी आप भले ही पूरे दिन, मान लीजिए आप 12 बजे तक का टारगेट बना सकते हैं कि 12 बजे तक कोई न्यूज नहीं देखनी, कोई मोबाइल नहीं चलाना। 12 बजे तक, सुबह से लेकर 12 बजे तक आपको स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम कीजिए, आप योग कीजिए, आप ध्यान लगाइए। पहले बहुत कहते थे, मगर हम ये उदाहरण देते थे कि टाइम नहीं है भाई, ऑफिस जाना है, दुकान जाना है, काम पे जाना है, मगर अब आप घर पे हैं, अब ये बहाना नहीं चलेगा। 21 दिन अगर आपने ये कर लिया तो आपके अंदर आदत भी पड़ जाएगी और फिर वो आगे जारी भी रहेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी तो हम किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ सकते हैं। तो इसलिए और सकारात्मकता आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, प्रसन्नता आएगी। आप योग को जीवन में अपनाइए तो 3-4 चीजें आप आराम से अगर 24 घंटे में से 4 घंटे अपने लिए, अपन पॉजिटिविटी के लिए देते हैं, चाहे उसमें एक्सरसाइज हो, अध्ययन हो, कसरत हो, योग व्यायाम हो, फैमिली के साथ में खेलना हो, घुलना मिलना हो, बच्चों के साथ में आपको समय देना हो, बहुत सारे काम आप कर सकते हो। उसके बाद में आप पूरे दिन मोबाइल चलाइए, नेट अब बिल्कुल फ्री होने वाला है, सुना है, तो नेट का इस्तेमाल कीजिए और खबरों से अपडेट रहिए। और इससे क्या है कि आप अपने अंदर एक 21 दिन के बाद एक गुड फील आपको आएगा, एक आपको ये लगेगा कि आपने 21 दिनों में वास्तव में एक अच्छा उपयोग किया। तो एक बार में पुनः आप लोगों से ये निवेदन करूंगा कि आप जो है इसमें सहयोग करें, जो व्यवसाय हैं उनमें, और अच्छी खबरों को फैलाएं और अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। धन्यवाद।